हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज आप सभी लोगों का रिजल्ट आया है। आई होप आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। वैसे तो देखो, जो भी आपका रिजल्ट आया है वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। बट आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज करूंगी, कट ऑफ लिस्ट जब निकलेगी तब अच्छे से कट ऑफ को भी एनालाइज करेंगे। सभी एजुकेटर्स भी आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे चैनल पर। बट फिलहाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ बातें हैं जो मैं एनटीए को लेकर आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिस तरीके से रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया है, पहले तो एक दिन डिले किया, उसके बाद में आप सभी लोगों के लिए रात को इतना लेट रिजल्ट दिया है, अभी तक कट ऑफ इन्होंने अभी तक बताई नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो गया है, बच्चे काफी परेशान है और टीचर्स भी काफी परेशान है। तो मेरे हिसाब से ये चीज है जो मुझे नहीं अच्छी लगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज शॉकिंग है कि इस बार की कट ऑफ जो है वो काफी हाई है, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेड भी बोल सकती हूँ। स्पेशली कुछ रेयर सब्जेक्ट्स की बात करूँ जैसे कि सोशियोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाई जाती है पर इतनी हाई नहीं जाती है। 212 216 के आसपास मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता चला है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो 216 के आसपास का कट ऑफ एक्सपेक्ट बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में अब तक का जो मेरा हाईएस्ट स्कोर मुझे पता चला है जेआरएफ के लिए, वो 188 गया है, जो कि ठीक है, इतना ही मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया था। बट आज का ये वीडियो मैं आपको इसलिए भी बना के बता रही हूँ, कट ऑफ एनालिसिस मैं करूंगी, सारे टीचर्स भी आप लोगों के लिए करेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों का कितना स्कोर गया या आप में से कितने लोग हैं जिनका हाईएस्ट स्कोर गया है, वो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, सो दैट हम लोग जल्द से जल्द एनालाइज कर सके कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। गुड लक, बाय बाय।